फैन साथियों, अब स्पर्श पोर्टल अपग्रेडेशन होने जा रहा है, जिसमें कुछ अतिरिक्त फैसिलिटी के साथ कुछ फीचर्स जोड़ दिए जाएंगे, जो कि पेंशनर्स के साथ ज्यादा यूजर फ्रेंडली बन जाएगा। और ये फीचर्स पेंशनर्स की दिक्कतों को काफी हद तक कम कर देगा। तो ये पांच चीजें उसमें जोड़ेंगी, जो कि ADGPI यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ने ये चीज साझा की है अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से। दोस्तों, तो वो क्या पांच चीज है जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, नंबर एक में इन्होंने दी है कि आधार और मोबाइल नंबर अपडेट फैसिलिटी अब होम पेज में मिलेगा। यानी कि आप जब इस पर साइट में जाओगे तो ये दोनों फैसिलिटी आपको होम पेज में दिखाई देंगी। नंबर दो, पेंशन स्लिप और फॉर्म 16 अब सर्विस सेंटर लॉगिन में मिलेगा। यानी कि जो सर्विस सेंटर है उसके अंदर जाएंगे तो उस पर आप पेंशन स्लिप और फॉर्म 16 वहां से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर तीन में इन्होंने दिया कि इनकम टैक्स रिबेट जब आप डिक्लेयर करोगे तो वह फैसिलिटी थ्रू स्पर्श पोर्टल से मिलेगी। यानी जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, जब वो अपना इनकम टैक्स सबमिट करते हैं, उससे पहले जो डिक्लेरेशन होता है रिबेट के लिए, वो भी आपको वो फैसिलिटी स्पर्श पोर्टल पर दी जा रही है। नंबर चार में है, पेंशन भोगी जिन्होंने अभी तक लॉगिन नहीं किया है के लिए उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल की साप्ताहिक पुनर्रचना की जाएगी। यानी कि जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो हर सप्ताह में दिया जाएगा, कि जब तक यूजर जो है अपना लॉगिन स्पर्श पोर्टल में नहीं कर लेता। नंबर पांच में है कि विजिट नजदीकी CSC यानी कॉमन सर्विसिंग सेंटर पर जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट और ग्रेवेंस यानी शिकायत दर्ज कराएंगे। यानी आप जो है अपना नियरेस्ट जो कॉमन सर्विस सेंटर अभी बहुत प्रोवाइड कर दिए गए हैं स्पर्श द्वारा, वहां पर आप जाइए, अपना लाइफ सर्टिफिकेट और जो भी शिकायत है वो वहां पर आप दर्ज कर पाएंगे। दोस्तों, तो ये मुख्य पांच जो फैसिलिटीज थी वो अब स्पर्श पोर्टल पर आ रही हैं। अभी तक ये आई नहीं है, इनका काम चल रहा है, तो जैसे ही ये आ जाएंगी तो ये काम भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।